मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव है। सत्ताधारी गहलोत सरकार के सामने जिस तरह से भाजपा ने युद्ध छेड़ा है, उसकी तरफ से करनी होगी, पर भाजपा के अंदरूनी कलह सतह पर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान में भाजपा की सरकार किसी की अगुवाई में बनेगी। भाजपा ने गहलोत की कांग्रेस सरकार के खिलाफ सत्ता पाने का हर राजनीतिक हथकंडा अपनाया जरूर है, पर केवल इन्हीं से सत्ता के समीकरण नहीं बैठेंगे। क्या है राजस्थान का भाजपेई गणित, आइए देखते हैं। राजस्थान भाजपा में खलबली क्यों? भाजपा में गुटबंदी का टोटका क्या? क्यों गुटबंदी में घिर गई है भाजपा? जीत वाला मोदी मंत्र क्यों नहीं दे पा रहा है कप्तान? राजस्थान विधानसभा चुनाव की दुदुम्बी बज रही है तो भाजपा कार्यालय में टिकट पाने की होड़ वालों का तांता लग गया। कई नेता अपने समर्थकों के साथ भाजपा कार्यालय में एडी चोटी का जोर लगाते नजर आए, पर सबके चेहरे पर एक सिकंद जरूर देखने को मिली कि आखिर भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। राजस्थान में विधानसभा की 200 के करीब सीट है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर सत्ता पाई। अब की बात, भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ मुद्दे आक्रामक बनाए, पर जमीनी हकीकत कुछ अलग बयान कर रही है। राजस्थान में भाजपा ने 4 जोन में परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली, पर बिना सुकानी के चेहरे निकली यात्रा में जोश व उत्साह काफी कम नजर आया। सवाल यहीं से उठना शुरू हो गया कि आखिर भाजपा किस ओर जा रहा है। राजस्थान चुनाव 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से और चुनाव की तैयारियां की है। मैं बताना चाहूँगा कि अभी हमारा भारतीय जनता पार्टी के चारों दिशाओं में परिवर्तन संकल्प, परिवर्तन यात्राओं के रथ चल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि संपूर्ण राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा जन समर्थन मिल रहा है। जनता उत्साह के साथ में रथों का, परिवर्तन यात्रा का स्वागत करती है, सम्मान करती है और यात्रा में शामिल भी हो रही है। इससे ये स्पष्ट हो रहा है, जनता के आक्रोश को देखते हुए, सरकार के विरुद्ध आक्रोश को देखते हुए कांग्रेस के कुशासन को समाप्त करेगी यहाँ की राजस्थान की जनता। भारतीय जनता पार्टी का सुशासन आएगा और भाजपा स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। सर, भले ही राजस्थान में भाजपा की सरकार ना हो, पर गुजरात की तरह मॉडल लागू किया जाएगा कि विधायकों को नो रिपीट थियरी या नए चेहरों को? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर तो मात्र यही है कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके अंदर सारा का सारा एक सिस्टम है। जहाँ तक टिकटों का प्रश्न है, वो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, चुनाव समिति जिले की, प्रदेश की, फिर लास्ट में दिल्ली जाके पार्लियामेंट बोर्ड में तय होता है और फिर उसके बाद में हम सब मिलकर, एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं और हमें विजय श्रेया। सर, विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बीच काफी कम अंतर रह गया है, खास करके मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ का चुनाव है, उसमें बीजेपी की किस तरह? आप जहां तक लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो मैं आपको विश्वास के साथ और जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ही 2024 फतेह करेंगे, जीतेंगे और देश के अंदर राज बढ़ेगा। नरेंद्र भाई मोदी जी, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपकी टीम का कप्तान कौन होगा विधानसभा चुनाव? हमने शुरू में कह दिया, भारतीय जनता पार्टी का कप्तान है हमारा कमल, सबको हम कहते हैं, मीडिया में कार्यकर्ता ने और सारे के सारे राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने स्वीकार किया है। भारतीय जनता पार्टी का चेहरे को हो, नेता को हो, कुछ भी है, तो हमारा प्रतीक है कमल। जिसके हाथ में कमल होगा वही हमारा चेहरा है, वही हमारा प्रतीक। दूसरी ओर भाजपा और खासकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खेमे में खलबली है। माना जाता है कि देवी सी भाटी पिछले सप्ताह कुछ दिनों जयपुर में थे। दिव्या भारत ने उन्हें जयपुर और इसके बाद बीकानेर में भी संपर्क करने की कोशिश की। बीकानेर में राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हैं। क्या देवी सी भाटी भाजपा में रहेंगे? क्या भाटी जी कांग्रेस में जा रहे हैं? क्या भाटी जी अलग मोर्चा खोलकर चुनावी समीकरण बिगाड़ेंगे? इस पर जितने मुंह उतनी बातें बीकानेर संभाग से लेकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को परेशान कर रही है। धीरे धीरे अब निकल रहे हैं,
तो ये अब सिलसिला चल पड़ा है कि हर 5 साल में बदलाव आए, और इस दफ़े भी उम्मीद रखते हैं। लेकिन अब हमें लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर कोई एक मजबूत नेतृत्व वाला व्यक्ति आगे मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बताया, तो इसके कारण से मुझे लगता नहीं कि इस दफ़े भाजपा की सरकार पुनः बन जाएगी। लोग ये अपेक्षा करते हैं, आप किसी से भी पूछिए, हर चौथा आदमी जो बीजेपी का समर्थक है वो बोलेगा कि वसुंधरा राजे के पास नेतृत्व हो तभी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बन सकती है, अन्यथा बहुत मुश्किल है। बाटी साहब, अघोषित रूप से तो यही माना जाता है कि भले अभी पार्टी का चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने घोषित नहीं किया बतौर मुख्यमंत्री, अघोषित रूप से तो यही माना जाता है कि वसुंधरा राजे ही पार्टी का चेहरा होगी बतौर मुख्यमंत्री। नहीं, लगता नहीं ऐसा। देखिए, ये अलग अलग तरीका होता है अपना काम करने का, लोगों से मिलने का, प्रचार करने का, चुनाव में अलग शैली होती है। बाकी जगह देखा है आपने, पूरे भारत के अंदर जो भी नेता आता है, हेलीकॉप्टर से आओ, प्लेन से आओ, चाहे अपनी गाड़ी से आए, सीधा अपना सभा स्थल गए, वहाँ भाषण दिया, ये बाय बाय करके निकल जाते हैं। वसुंधरा जी का ये हमने देखा है, वो सीधा इंटरेक्ट करती है लोगों से। सभा हुई, मान लो कोटा के अंदर होगी, तो फिर वो रास्ते में बूंदी जा रही है तो रास्ते में जितने गांव कस्बे आएंगे सब लोगों से मिलना, महिलाओं से, पुरुषों से, तो एक सीधा जुड़ाव होता है। तो वो चीज़ औरों में है नहीं। अब अगर वसुंधरा जी को देते तो उनकी अपनी शैली है, तो इनको तो घूमने के लिए बहुत समय चाहिए, वो समय अब मुझे लगता नहीं, इतना समय बहुत कम रह गया, इसलिए भी। और देरी किस बात की, जब घर में शादी हो गई है, तारीख तय हो गई, चुनाव आ रहे हैं, तो फिर अब आप दूल्हे का ये सारे तैयारी करने का ये फिर कब अवसर निकालोगे? तो ये जो मुझे लगता नहीं कि अभी कोई वो नेतृत्व दे रही है, और इसीलिए हमने भी तय कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अगर वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाते तो हम भी भारतीय जनता में शामिल नहीं होंगे, और मैं अलग से ही मेरा निकल के पूरे अभी मारवाड़ में जा रहा हूँ, फिर मेवाड़, हाड़ौती वगैरह पूरे राजस्थान में घूमें। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के मध्यस्थ कार्यालय जयपुर में सुस्ती दिखने का एक कारण सत्ता का मद भी हो सकता है। कुछ नेता तो दिव्य भारत को कार्यालय की शूटिंग नहीं करवाने पर उतारू हो गए। राजस्थान विधानसभा में 2023 और तुरंत बाद 2024 के लोकसभा चुनावों की चुनौती एक बड़ी चुनौती होगी। राज्य में भाजपा अपनों से ही उलझी है, अब देखना यह होगा कि यह आग लोकसभा चुनाव पर कैसा असर डालेगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मेहुल झाला, दिव्य भारत के लिए जयपुर से।